नमस्ते दोस्तों, द येलो किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे येलो किचन में बनने वाला है पारसी स्टाइल में मावा केक। दोस्तों, किसी किसी को व्हिप क्रीम वाला केक पसंद नहीं आता, तो निश्चित है उसे मावा केक तो ज़रूर ही पसंद आएगा। तो दोस्तों, इसे मैं एकदम आसान तरीके से घर के बने मावा से बनाना बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बनाएंगे मावा। मावा बनाने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई में एक चम्मच बटर लिया है। बटर हमारा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, फ्रीज से निकाल कर हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। इसमें मैंने 1/4 कप दूध डाल दिया है। बटर में दूध को अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसमें हम 1/2 कप मिल्क पाउडर मिलाएंगे। मिल्क पाउडर मिलाकर हमें इसे अच्छी तरह से कंटिन्यूसली चलाना है, चलाते हुए पकाना है मीडियम फ्लेम पर। इसे हमें कंटिन्यूस चलाना है कि इसमें गुठलियाँ न पड़ने पाए, नहीं तो केक हमारा अच्छा नहीं बनेगा। देखिए कितना स्मूथ हमारा मावा तैयार हुआ है। कढ़ाई से छोड़ने लगा है, यानी कि मावा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसका अब हम यूज़ करेंगे एकदम लास्ट में, तब तक ये ठंडा हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ मैं एक बड़े से बाउल में 1 कप बटर ले ली हूँ। बटर को मैं बीटर से थोड़ा सा बीट कर लूँगी। ज़्यादा हमें इसे बीट नहीं करना है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप चम्मच से या विस्कर से इसे बीट कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 कप शुगर पाउडर डालूँगी और स्पैचुला से शुगर पाउडर को अच्छी तरह से मिला लूँगी, क्योंकि शुगर पाउडर में हमारे अगर कुछ गुठलियाँ होंगी तो स्पैचुला से मिलाने से वो गुठलियाँ भी फूट जाएंगी और अच्छी तरह से बटर में शुगर पाउडर मिल जाएगा। उसके बाद हम इसे भी 1 मिनट के लिए बीट कर लेंगे बीटर से। अब हमारा बटर और शुगर पाउडर का जो बैटर है वो रेडी हो गया है। अब हम इसमें 1/2 कप एकदम बीट किया हुआ, मतलब फेटा हुआ, इसमें हम 1/2 कप जो है फ्रेश दही मिलाएंगे। दही हमारी फेटी ही होनी चाहिए। इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर से हम बीटर से इसे 1 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए हमारा कितना स्मूथ एकदम बैटर रेडी हुआ है। अब हम इसमें केक के जो बाकी सामग्री है वो डालेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, चलिए, मेरे पास इडली स्टैंड का बड़ा कढ़ाई जैसा है, उसमें मैं नमक डालकर उसमें एक चाली रख के 10-15 मिनट के लिए कढ़ाई को जो है प्री हीट कर लूँगी। अब हम जो बटर और शुगर का बैटर है उसमें मैं 1/2 कप एकदम माप के 1/2 कप मैदा मिलाऊँगी और 1 टीस्पून मैं उसमें बेकिंग पाउडर डालूँगी। हर चीज़ हमारा एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट का मैं बता रही हूँ दोस्तों, केक बहुत ही अच्छा बनेगा। 1/2 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग सोडा मिला रही हूँ और अच्छी तरह से छलनी से इसे छानते हुए हम डालेंगे बैटर में। अब इसे भी हम स्पैचुला से अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोस्तों, मैं आपको एकदम परफेक्ट मेजरमेंट में मावा केक बनाना बता रही हूँ। इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा केक आपका बनकर रेडी होगा, सबको बहुत पसंद आएगा। तो इसमें मैं लगभग 1/2 कप दूध ली हूँ, वो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल करके एक थिक कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी करूँगी। ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कड़क भी नहीं होना चाहिए। एक स्मूथ बैटर हम केक का रेडी करेंगे। हमें इसको अच्छी तरह से उलट पलट के अच्छे से एकदम कट एंड फोल्ड की टेक्निक से हमें इसे
मिला लेना है स्पैचुला से, देखिए इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। ऐसे मिलाने से हमारा बैटर जो है एकदम अच्छा स्मूथ बैटर रेडी होता है। देखिए कैसे कलर चेंज होता जा रहा है। तो हमारा बैटर जो है मिलकर एकदम स्मूथ रेडी हो गया है। अब हम इसमें जो हमारा खोआ भी ठंडा हो चुका है इसे हम हाथों से क्रम्बलिंग करके इसमें डाल देंगे बैटर में। और इसमें मैं 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ और चॉप किया हुआ मेरे पास पिस्ता है वो डाल दूँगी, थोड़ा सा रख लूँगी गार्निश के लिए। और चॉप किया हुआ आलमंड है उसे डाल दूँगी, थोड़ा सा रख लूँगी गार्निश के लिए। अब इन सभी चीज़ों को हम फिर से अच्छी तरह से मिलाएंगे। अगर आपके पास मावा एसेंस है तो वो आप 2-3 ड्रॉप डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। और अगर आपके पास है तो डालेंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसे विस्कर से अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा मुझे थिक लग रहा है तो इसमें फिर से मैं थोड़ा सा दूध मिला ले रही हूँ। दोस्तों पानी मुझे बिल्कुल यूज़ हमें पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, इतना ध्यान रखें। बैटर को एक अच्छा कंसिस्टेंसी लाने के लिए हम उसमें थोड़ा थोड़ा दूध मिला सकते हैं लेकिन पानी बिल्कुल नहीं। दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नई रेसिपी का वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे और आप उस रेसिपी को बना करके इंजॉय कर सकें। देखिए कितना स्मूथ बैटर हमारा रेडी हुआ है। अब हम जो है हमारा केक मोल्ड है राउंड शेप का, आप किसी भी शेप का केक मोल्ड ले सकते हैं। तो राउंड शेप का केक मोल्ड है उसमें मैं बटर लगा करके उसमें मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा सूखा हुआ मैदा डाल दूँगी और अच्छी तरह से और ऐसे मतलब हाथों से थपथपा के उस पर मैं चारों तरफ जो है मैदा सूखा मैदा लग जाए इस तरह से घुमा लूँगी तो मैदे का एक कोट तैयार हो जाता है, तो हमें बटर पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह से हमारा केक का मोल्ड भी रेडी हो गया। अब हम इसमें जो केक का हमारा बैटर रेडी हुआ है वो डाल दूंगी। और इसे हम अच्छी तरह से पटक पटक के थपथपा के ले लेंगे और ऊपर से स्पैचुला से जो एकदम ऊपर नीचे है उसे हम इवन कर देंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप देख रहे हैं। अच्छी तरह से इसे हम पटक देंगे तो अच्छी तरह से वो बैटर जो है मोल्ड में सेट हो जाएगा। देखिए इस तरह से अब जो हमारे पास बचा हुआ पिस्ता था वो डाल दूंगी ऊपर से और जो कटा हुआ थोड़ा सा बचा ली थी बादाम का टुकड़ा वो डाल दूंगी। आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, टूटी फूटी भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा लगता है। अब हमारा कढ़ाई जो है प्री हीट हो चुका है। अब याद रखिए इसमें हम रख करके कम से कम हम 60 मिनट के लिए अब इसे खोलेंगे नहीं, 60 मिनट तक में हमारा जो है मावा केक बनकर एकदम रेडी हो जाता है। 60 मिनट तक के लिए अब मैं इसे ढक कर रख दी हूँ। 60 मिनट बाद देखेंगे हमारा मावा केक जो है तैयार हो गया। मैं एक टूथपिक ले लूँगी उसे देखूंगी या चाकू हो उससे अंदर डालकर देखेंगे, अगर वो क्लीन निकल रहा है यानी हमारा मावा केक जो है वो पक चुका है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे, जब एकदम ठंडा हो जाएगा तब हम इसे अनमोल्ड करेंगे। हमारा केक जो है एकदम ठंडा हो चुका है तो चाकू की सहायता से किनारों को अच्छी तरह से हम खोल लेंगे। खोलने के बाद ऊपर से एक प्लेट रखेंगे और पलट लेंगे इस तरह से, जैसे हम ढोकला वगैरह का अनमोल्ड करते हैं ना उसी तरह से सेम। देखिए हमारा मावा केक कितना अच्छा पका हुआ है, एकदम स्पंजी बना है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। वाह बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा बना हुआ है।
दोस्तों आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए, ज़रूर बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगा। अब हम इसे कट करेंगे। कितना सॉफ्ट कट रहा है। दोस्तों अगर आप इस तरह से मावा केक एक बार बनाकर खा लेंगे तो कभी भी बाहर से मावा केक खरीद कर नहीं खाएंगे, आप घर में ही बनाएंगे। देखिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी बना है। तो दोस्तों आप भी मावा केक घर में बनाइए, खाइए, खिलाइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।